नमस्कार दोस्तों, चाणक्य के ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक 5, बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रोडान एंड नक्से का बिग पुश थ्योरी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर वन पॉइंट से। नंबर वन पॉइंट है बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। तो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी सबसे पहले डेवलप की थी रैगनर नक्से ने, और फर्दर इसको सपोर्ट किया था लुइस एलिन यंग और रोडान ने। और देखते हैं इसकी मीनिंग क्या कहती है। बैलेंस ग्रोथ मीन्स इन्वेस्टमेंट इन डिप्रेस्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी लीड टू हारमोनियस ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब रोडान दैट इज़ नक्से का कहना है कि जब हम डिप्रेस्ड सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो हारमोनियस डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा अदर सेक्टर का भी। बल्कि जो दूसरी अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है हिर्शमैन की, वो कहता है बिल्कुल जस्ट थोड़ा अपोजिट है। वो कहता है हम सबसे पहले स्ट्रेटेजिक सेक्टर, मतलब जो सेक्टर ज़्यादा डेवलप कर रहा है, उस पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके बाद ये थ्योरी कहती है गवर्नमेंट ऑफ एनी यूडीसीज नीड मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज साइमल्टेनियसली। मतलब जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें साइमल्टेनियसली हमें इन्वेस्ट करना है, मतलब एक साथ इन्वेस्ट करना है। और दिस विल इंक्रीज द साइज ऑफ मार्केट। तो साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट करेंगे हम डिप्रेस्ड सेक्टर में या फिर इंडस्ट्रीज में, तो इससे क्या होगा, सबसे वन मार्केट साइज एक्सपेंड होगा, और दूसरा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड प्रोवाइड इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट। और जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उनको इंसेंटिव मिलेगा। नाउ डिटरमिनेंट्स ऑफ साइज ऑफ मार्केट। तो नक्शे के अकॉर्डिंग साइज ऑफ मार्केट कैसे डेवलप हो सकता है, दैट इज एक्सपेंडिंग मार्केट साइज विल लीड टू इंक्रीज इन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अगर मार्केट का साइज बड़ा होगा तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें प्रेरित मिलेगी निवेश के लिए, प्रेरणा मिलेगी। सो इट विल ब्रेक वीसीएस साइकिल ऑफ पावर्टी। तो जो वीसीएस साइकिल ऑफ पावर्टी है, मतलब जो गरीबी का दुष्चक्र है, वो ख़त्म हो जाएगा। नाउ नक्से ने अपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट में सबसे पहले ये कहा है, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। सबसे नंबर वन पे प्रोडक्टिविटी है, देन सेकेंड वन सेल प्रमोशन, थर्ड वन ट्रेड बैरियर्स। अगर ट्रेड बैरियर जितने कम होंगे उतना ही आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगा और मार्केट साइज़ एक्सपेंड होगा। नेक्स्ट वन ज्योग्राफिकल एरिया, और फिफ्थ पॉइंट है पॉपुलेशन, और लास्ट में है मनी सप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू नक्से दिस सिक्स आर डिटरमिनेंट्स ऑफ साइज ऑफ मार्केट। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू नक्से यूडीसी शुड बी इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड एनलार्ज द मार्केट साइज बाई एक्सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि मार्केट साइज जितना बढ़ेगा उतना ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। मतलब प्रोडक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगी जब अपना साइज मार्केट साइज बड़ा होगा, और मार्केट साइज बड़ा तभी होगा जब यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होगा, दैट इज एक्सपोर्ट। नाउ नक्से प्राइमरली फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, और ज़्यादा मेनली फोकस किया प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इन बैलेंस ग्रोथ थ्योरी ग्रोथ रेट ऑफ कंजप्शन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल। तो ये तीनों की ग्रोथ एक साथ इक्वल होगी, और जब हम अनबैलेंस करेंगे तो ये तीनों की ग्रोथ अनइक्वल होगी। ओके, जो बैलेंस ग्रोथ है ये डिमांड साइड बॉटलनेक्स या डिमांड साइड प्रॉब्लम को फेस करती हैं या फिर टैकल करती हैं। बैलेंस ग्रोथ इज़ अ डायनेमिक एंड इलास्टिक मॉडल, और ये एक ऐसा मॉडल है जो सिर्फ यूडीसीज में ही एप्लीकेबल होता है। नाउ नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी टू ओवरकम इंडिविजिबिलिटीज ऑन बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड। देखो यहाँ पे इंडिविजिबिलिटीज का मतलब है एक्सटर्नैलिटीज से, और बेसिकली इंडिविजिबिलिटीज का मतलब ये होता है कि जब इनिशियली हम प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलती। तो यहाँ पे इंडिविजिबिलिटीज का मतलब है दैट इज एक्सटर्नैलिटीज। तो एक्सटर्नैलिटीज क्या है, डिमांड साइड में भी हो सकती हैं और सप्लाई साइड में भी हो सकती हैं। नाउ इंडिविजिबिलिटीज ऑन सप्लाई साइड इज लंपीनेस ऑफ कैपिटल। जो सप्लाई साइड है वो गवर्नमेंट करेगी, दैट इज सोशल ओवरहेड कॉस्ट है ये, लंपीनेस ऑफ कैपिटल। सोशल ओवरहेड कॉस्ट मतलब जब गवर्नमेंट खर्चा करती है अपना, और वो आएगा सप्लाई साइड पे।
और डिमांड साइड में इंडिविजिबिलिटीज ऑन डिमांड साइड में हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज लिमिटेशन इम्पोज बाय साइज ऑफ मार्केट. नाउ नक्से यूज बिग पुश थ्योरी ऑफ रोडान फॉर थ्री इंडिविजिबिलिटीज. नक्से ने भी तीन इंडिविजिबिलिटीज को यूज़ किए, दैट इज बिग पुश थ्योरी में से जो रोडान ने यूज़ किए थे. नाउ वो सबसे नंबर वन पे है इंडिविजिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, सेकेंड है इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड, और तीसरा है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई फॉर सेविंग. और यही इंडिविजिबिलिटीज तीन हम आगे फर्दर भी यूज़ करेंगे बिग पुश थ्योरी में. और रोडान ने ये कहा कि साइमल्टेनियस डेवलपमेंट होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और लुविस कहता है साइमल्टेनियस डेवलपमेंट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, दैट इज़ बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री का. और लुविस के अकॉर्डिंग इन यूडीसीज इन्वेस्टमेंट रेंज शुड बी 5 to 10%. और यहाँ पे जनरली 5 to 10% होती है यूडीसीज में, बट हमें एक्चुअल कितनी चाहिए, बट एक्चुअली रिक्वायर्ड 15 to 20%, और एक्चुअली हमें चाहिए 15 से 20% तक. इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मार्केट, बिल्कुल ठीक है. इन्वेस्टमेंट तभी ज़्यादा होगा या प्रेरित हमें इन्वेस्टमेंट के लिए तभी मिलेगी जब मार्केट साइज बड़ा होगा. मार्केट साइज बड़ा होगा तो डिमांड भी ज़्यादा होगी. सो डिमांड फॉर गुड्स एंड साइज ऑफ मार्केट डिपेंड अपॉन परचेजिंग पावर, तो ये दोनों चीज़ें डिपेंड करते हैं परचेजिंग पावर पे. ओके, अब डिस्कस करते हैं सेकंड थ्योरी, दैट इज़ अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी. बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की. सबसे पहले ये थ्योरी दी थी हिर्चमैन ने, एंड फर्दर सपोर्टेड बाय चार इकोनॉमिस्ट ने इसको सपोर्ट किया, दैट इज़ सिंगर, किंडलबर्जर, पॉल स्ट्रीटन और रॉस्ट्रो ने. और हिर्चमैन ने एक बुक लिखी थी, दैट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो अकॉर्डिंग टू हिर्चमैन डेवलपमेंट इज़ द चैन ऑफ डिस इक्लूब्रियम, दैट इज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो डिस इक्लूब्रियम, दैट इज डेवलपमेंट इज़ अ चैन ऑफ डिस इक्लूब्रियम. तो डिस इक्लूब्रियम का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है या फिर ग्रोथ रेट ऑफ कंजप्शन है या फिर ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये तीनों चीज़ों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेस और मोर होते हैं. नाउ बैलेंस ग्रोथ मीन्स अनइक्वल ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंजप्शन. हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, दैट इज ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, एंड ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इज मोर देन ग्रोथ रेट ऑफ कंजप्शन. ओके, दिस थ्योरी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन यूडीसीज, ये भी यूडीसीज में ही एप्लीकेबल होती है. सो अकॉर्डिंग टू हिर्चमैन इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मेड इन स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज एंड लीडिंग सेक्टर. बल्कि जो हमने रोडान जो हमने नक्शे की थ्योरी की थी बैलेंस ग्रोथ, तो बैलेंस ग्रोथ में क्या था, हम इन्वेस्ट करते थे जो डिप्रेस्ड सेक्टर थे पहले, तो इसमें हम पहले वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज है, मतलब लीडिंग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उस पर. नाउ हिर्चमैन डिवाइड इन्वेस्टमेंट इनटू टू पार्ट, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हिर्चमैन ने दो भागों में डिवाइड किया इन्वेस्टमेंट को, फर्स्ट वन कन्वर्जेंट इफेक्ट और सेकेंड वन डाइवर्जेंट इफेक्ट. सो जो कन्वर्जेंट इफेक्ट है, नंबर वन कन्वर्जेंट इफेक्ट क्रिएट करता है एक्सटर्नैलिटीज़, सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट करता है, और ये एक्सटर्नैलिटीज़ थोड़ा कम क्रिएट करता है, दैट इज़ क्रिएट लेस एक्सटर्नल इकोनॉमीज. और कन्वर्जेंट में इट इज़ प्रॉफिट मोटिव एंड अंडरटेकन बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. जो कन्वर्जेंट है ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करते हैं और ये प्रॉफिट मोटिवेटर होता है, जैसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की तरह. और दूसरा डाइवर्जेंट, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की तरह है, क्योंकि ये वेलफेयर ओरिएंटेशन है, दैट इज़ सोशल वेलफेयर, हेल्पफुल इन सोशल वेलफेयर एंड अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट. एंड नेक्स्ट वन, इट इंक्लूड डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, तो इसमें DPA इंक्लूड होता है, और इसको जो इसमें हम खर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं SOC, सोशल ओवरहेड कॉस्ट. और कन्वर्जेंट में अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो फाइनल प्रोडक्शन पे करते हैं, और डाइवर्जेंट में वहीं अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं जैसे रेलवेज पे या फिर जो गवर्नमेंट अंडरटेकन है उन पे. और नेक्स्ट वन, अगर कोई इकोनॉमी
एसओसी से एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कर रही है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो इसी को हम बोलते हैं प्रेशर रिलीविंग इन्वेस्टमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रेशर रिलीविंग इन्वेस्टमेंट। मतलब जब हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट या फिर सबसे पहले हम जब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं थ्रू एसओसी से, मतलब सोशल ओवरहेड कॉस्ट से, गवर्नमेंट का खर्चा कर रही है तो कॉस्ट कम होगी। अगर हम सबसे पहले खर्चा करेंगे प्राइवेट का, दैट इज़ अगर हम प्राइवेट डीपीए यूज़ करेंगे तो डीपीए से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ इंक्रीज एंड इट इज़ कॉल्ड प्रेशर क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट। तो ये दो बातों का ध्यान रखना, प्रेशर क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रेशर रिलीविंग इन्वेस्टमेंट। हिचमैन इंट्रोड्यूस टू लिंकेजेस इफेक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो लिंकेजेस इफेक्ट उन्होंने डेवलप किए, फर्स्ट वन बैकवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट और सेकेंड वन डेवलप किया फॉरवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट। सो बैकवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट का मतलब ये है कि जितने भी प्रोडक्शन से पहले खर्चे हुए हैं, तो प्रोडक्शन से पहले खर्चे हुए हैं वो है बैकवर्ड, और प्रोडक्शन के बाद जो भी खर्चे होंगे वो होंगे फॉरवर्ड। चलो अब आते हैं बुक की मीनिंग पे। इट इज़ मेड ऑन अर्लियर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन से पहले स्टेज पे जो भी खर्चे हैं वो आएंगे बैकवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट। और फॉरवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट का मतलब है इट इज़ मेड ऑन फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के बाद, और इसमें इंक्लूड होता है दैट इज़ रॉ मटेरियल, और इसमें दैट इज़ सेल ऑफ द प्रोडक्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी प्रोडक्शन होने के बाद। और इसका एग्जांपल है जैसे लेदर, और वहीं फॉरवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट का एग्जांपल है उसी लेदर का हमने कन्वर्ट कर दिया शूज़ में। सो लिंकेजेस आर इंटर इंडस्ट्री कॉम्प्लीमेंट्री, तो लिंकेजेस का मतलब ये है कि ये लिंक क्रिएट करती है, लिंक बिटवीन दैट इज़ रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट। सो अब डिस्कस करते हैं थर्ड थ्योरी, दैट इज़ बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी रोडान ने, और उन्होंने इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम ये भी कह सकते हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन फेलियर मॉडल। सो अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर अ बैलेंस्ड ग्रोथ रेट ऑफ ऑल सेक्टर वी नीड बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बिग पुश इसीलिए नाम रखा मे बी कि ये जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो बैलेंस ग्रोथ के लिए, क्योंकि इनकी थ्योरी बेस्ड है बैलेंस ग्रोथ पे, तो बैलेंस ग्रोथ के लिए जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं उसका डोज काफ़ी हैवी होना चाहिए। सो हैवी डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज़ बिग पुश, सो विच एनलार्ज द मार्केट, जो मार्केट साइज बढ़ाएगी। अगेन दिस थ्योरी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन UDCs, और उन्होंने कहा है इकोनॉमी इज़ नॉट एबल टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं कर सकती इकोनॉमी। सो अकॉर्डिंग टू हिम मेजर हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज स्मॉल साइज ऑफ मार्केट। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ मार्केट छोटा है। सो रोडान यूज थ्री इंडिविजिबिलिटीज टू रिमूव हर्डल्स, तो जो रुकावटें आ रही हैं उनको रिमूव करने के लिए उन्होंने थ्री इंडिविजिबिलिटीज, जो एक्सटर्नैलिटीज हैं, वो इंट्रोड्यूस किए। फर्स्ट वन इंडिविजिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, और सेकंड वही इंडिविजुअल डिमांड, और थर्ड वन इंडिविजिबिलिटीज ऑफ सप्लाई फॉर सेविंग। और बिग पुश थ्योरी बेस्ड है एक्सटर्नल इकोनॉमीज के ऊपर, क्योंकि ये एक्सटर्नैलिटीज को ही बताता है, दैट इज इंडिविजिबिलिटीज एक्सटर्नैलिटीज को ही शो करता है। सो दैट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन फेलियर देयर इज नीड बिग पुश। नाउ फोर्थ थ्योरी डिस्कस करते हैं, दैट इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अगेन ये थ्योरी दी थी नक्से ने। वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब है दैट इज़ गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र एक सर्कल है, दैट इज़ लो इनकम होगी आपकी, लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो इन्वेस्टमेंट होने से लो प्रोडक्टिविटी होगी, अगेन लो प्रोडक्टिविटी होने से अगेन आपकी जो इनकम है वो भी लो होगी। तो इसीलिए ये वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी रिमूव हो सकता है। अब देखते हैं, तो ब्रेक डाउन द वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी मेजर बोथ डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, मतलब उन्होंने दोनों साइड में इसको टैकल करने के उपाय बताए, दैट इज़ डिमांड साइड भी और सप्लाई साइड भी, विशेष सर्कुलर पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। सप्लाई साइड में दैट इज़ फ्लो ऑफ सेविंग फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। और यहाँ अगर हम डिमांड साइड की बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है दैट इज़ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ मार्केट। अब बात करते हैं कंसील्ड सेविंग पोटेंशियल की।
कंसीव्ड सेविंग पोटेंशियल नक्शे ने कॉन्सेप्ट दिया था और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ही हम कंसील्ड सेविंग पोटेंशियल कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ सेविंग या फिर सरप्लस. सो जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक पोटेंशियल सोर्स है लेकिन एक्चुअल सोर्स ऑफ सेविंग नहीं है. ओके, बात करते हैं अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं. नंबर वन क्वेश्चन है दैट इज द बेसिस ऑफ रेशनेल ऑफ थ्योरी ऑफ बिग पुश इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ, और ये आइडिया दैट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं है, दैट इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज है, क्योंकि बिग पुश थ्योरी डिपेंड करता है या फिर बिग पुश ने अपने थ्योरी में यूज़ की थी इंडिविजिबिलिटीज. तो जो इंडिविजिबिलिटीज़ हैं इनका खुद मतलब होता है दैट इज़ एक्सटर्नैलिटीज़. सो दैट इज़ एक्सटर्नल इकोनॉमीज में इसने ज़्यादा फोकस किया या बेस्ड है एक्सटर्नल इकोनॉमीज पे. सो नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हम तीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं. नंबर वन पे ये कह रहा है दैट इज़ द ओरिजिनली थ्योरी ऑफ टर्म पिक थ्योरम इज़ गिवन बाई, तो टर्म पिक थ्योरम सबसे पहले दी थी ओरिजिनली गिवन बाय डॉर्फमैन, सैमुएलसन एंड सोलो, लेकिन इसको बाद में मॉडिफाइड किया था बाद में वॉन न्यूमन एंड मॉक्सन. दैट इज़ अगर ये कॉन्सेप्ट आता है ये तो ये दो चीज़ें रिलेट हैं टर्म पिक थ्योरम से, एक फर्स्ट एंड फोर, लेकिन ओरिजिनली गिवन बाय फर्स्ट डॉर्फमैन, सैमुएलसन और सोलो ने. और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस आर रिलेवेंट फॉर विच काइंड ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी, तो अभी हमने इसकी स्टडी की थी दैट इज़ अनबैलेंस्ड ग्रोथ गिवन बाय हिर्शमैन. और एक क्वेश्चन है दैट इज़ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर टर्म यूज बाय होम, सिंपली टर्म्स है दैट इज़ यूज़ की थी दैट इज़ कार्ल मार्क्स ने. ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट मॉडल और साथ में हम डिस्कस करेंगे शेडो प्राइजेस, इंडिपेंडेंसी थ्योरी वगैरह. अब बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स. थैंक यू.